तो फ्रेंड्स यहाँ पे चावल रख दिए हैं बॉईल होने के लिए। तो फ्रेंड्स फ्राइड राइस मेरे रेडी हैं और इसके साथ है बूंदी का रायता। जबरदस्त मजा आ गया भाई खाके। तो वहां जाके देखा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी का मैजिक। आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और सुबह का बज रहा है 7:30 और मेरी पूजा हो चुकी है और मैं यहाँ पे बनाने आ गई हूँ नाश्ता किचन में। और यहाँ मैं आज बना रही हूँ नाश्ते में ब्रेड बटर, पीनट बटर ब्रेड के साथ और चाय। और इसी टाइम पे मेरे हस्बैंड भी आ गए, वो भी थोड़ा थोड़ा अब मेरी हेल्प करने लगे। और आज मैं भी ऑन कैमरा नहीं आ पाई हूँ क्योंकि सुबह का आज रूटीन काफ़ी बिजी था। और मैं आपको मिलूँगी थोड़ी देर बाद कैमरे के सामने। तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी का मैजिक। और आज सुबह से काफ़ी काम हो गया था तो बिजी थी इसलिए ऑन कैमरा नहीं आ पाई। और अभी बज रहा है कितना बज रहा है, 3:45, 3:45 बजा है। आज लंच किसी ने किया ही नहीं क्योंकि ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी हो गया था तो लंच बनाया ही नहीं है। अब सबको लग रही है छोटी वाली भूख, तो ऑर्डर आया है फ्राइड राइस का, तो चलती हूँ किचन में, बनाना है फ्राइड राइस। और जब सोच रही हूँ कि बना रही हूँ आपको, तो आपके साथ रेसिपी भी उसकी शेयर कर दूंगी। फ्राइड राइस कोई ज़्यादा ट्रिक से नहीं बनाऊंगी, सिर्फ नॉर्मली वेजेस वाला बनाऊंगी, वेजी फ्राइड राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस, क्योंकि ज़्यादा कुछ डालने में बच्चों को पसंद नहीं आता है। लेकिन जैसा भी बनाऊंगी आपको जरूर दिखाऊंगी और मेरे साथ बने रहिए। सो स्टे ट्यून और देखिए मेरी ये रेसिपी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चावल रख दिए हैं बॉयल होने के लिए। जब तक चावल हमारे पक रहे हैं तब तक कट कर लेते हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स कट हो चुकी है और देखिए प्याज काटने में मेरे आंसू कितने ज्यादा आ चुके हैं, प्याज ने मुझे कितना रुलाया। बहुत ज्यादा प्याज ने मुझे रुला दिया आज। चलिए मैं मिलती हूँ आगे अपनी। तो फ्रेंड्स सारी तैयारी मेरी हो चुकी है, मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर और चलिए बनाती हूँ फ्राइड राइस। इसमें डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल और यहाँ चावल बॉईल हो चुके हैं। देखिए कितने अच्छे और खिले खिले चावल बने हैं, एक एक चावल अलग अलग है। अब जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक सारे मसाले निकाल लेते हैं। हो चुका है, इसमें ऐड कर देंगे जीरा, अच्छे से फ्राई हो जाने देंगे, भून जाने देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे अदरक और हरी मिर्च, ऐड कर देंगे कटे हुए प्याज, प्याज को जल्दी से फ्राई करने के लिए इसमें अभी नमक थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो प्याज हमारा जल्दी से फ्राई हो जाएगा। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है, थोड़ा क्रंची होना चाहिए प्याज। अब इसमें ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च,
फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसमें बहुत सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, गोभी है, गाजर है, मटर है, बट मैं नहीं करती क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। पनीर भी ऐड कर सकते हैं, सोयाबीन चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। बता मैं बना रही हूँ सिंपल सी, इसलिए थोड़ा सिंपल ही रखूँगी। अब थोड़ा सा शिमला मिर्च को फ्राई कर लेना है, हल्का सा क्रंचनेस ऐड हो जाए उसके बाद। तो फ्रेंड्स, अब प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसको बस इतना ही रखना है। अब इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और इसमें एक जादुई चीज ऐड करेंगे जिससे टेस्ट और अच्छा ऐड हो जाएगा, वो है हमारा मैगी मसाला। इसको ऐड कर देंगे और ऐड करके इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, भुन चुका है। अब इसमें ऐड कर दूंगी चावल जो पहले से बॉईल करके करके रखे हुए थे। तो फ्रेंड्स, इसको अब यहाँ पे हमने चावल ऐड कर दिए हैं, अब इसको अच्छे से डाल करके मिक्स करना है और इसी पे ऐड करना है हमको नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। तो फ्रेंड, अच्छे से इनको मिक्स कर दिया है, नमक भी पड़ चुका है। आप चाहे तो इसमें आप सॉसेस ऐड कर सकते हैं, सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो, केचप वगैरह, बट मैं नहीं करूँगी क्योंकि हम लोगों को ऐसे ही पसंद है। और ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, देखिए खाने में काफ़ी यमी लगते हैं। आप एक बार टेस्ट करके बना कर देखिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बनने में, खाने में और देखने में कितने ही टेस्टी लग रहे हैं। और ये बन चुके हैं, अब इसमें डालूंगी हरा धनिया और ये सर्व करने के लिए रेडी हैं। तो फ्रेंड्स, फ्राइड राइस मेरे रेडी हैं और इसके साथ है बूंदी का रायता, क्योंकि ये रायते के साथ ही यम्मी लगते हैं। और ये बन चुके हैं, चलिए अपने पतिदेव को दे के आती हूँ और अब मैं मिलूंगी आपको थोड़ी देर में इसको खत्म करने के बाद। तो फ्रेंड्स, फ्राइड राइस बन गए थे और खत्म भी हो चुके हैं, सबने खा लिए हैं और खाने में काफ़ी टेस्टी बने थे। चाहे तो आप घर पर आप ट्राई कर सकती हैं और बच्चों को भी पसंद आएंगे। और रिव्यू लेते हैं इनसे कि कैसे लगे, इनको कैसे लगे थे फ्राइड राइस? बेस्ट, जबरदस्त, मजा आ गया भाई खा के, गजब बनाए, गजब। तो इनको भी अच्छे लगे थे। और मौसम एज यूजल वैसा ही है जैसा पिछले 3 दिन से हो रहा है, पानी 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 पानी, सिर्फ पानी पानी है। पानी की वजह से कहीं घर के बाहर तक नहीं निकल, कहीं निकलना भी नहीं हो रहा, कहीं जा भी नहीं पा रहे, यहाँ तक कि कोई भी चीज नहीं बाहर की हो पा रही है। घर का राशन भी लाना है, सामान भी लाना है, वो भी नहीं आ पा रहा सिर्फ पानी की वजह से। और कोई आसपास और सब अच्छा है, आप बताइए और कमेंट भी करिए, किया करिए अच्छे अच्छे। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, पानी बंद नहीं हो रहा है। तो चलिए चलते थोड़ी देर के लिए ऊपर, अपने प्यारे प्यारे बच्चों से मिलती हूँ चल के, जो कि मेरा वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऊपर आ गई हूँ और मौसम बहुत अच्छा है, हवा चल रहा है। कोई यकीन करेगा कि इस टाइम हो रहा है दोपहर का 3:30 या 4:15 हो रहा होगा एग्जैक्टली, लेकिन मौसम इतना अच्छा है कि नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा है ऊपर ही। और हल्के हल्के सी फुहारे ऐसे पड़ रहे हैं और इस टाइम तो कपड़े भी सूखने का नाम ही नहीं ले रहा, पिछले 2 दिन से धुले हुए कपड़े पड़े हैं, सूख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि ठंड भी हो रही है और बारिश भी लगी हुई है बराबर, तो कपड़े भी नहीं सूख पा रहे। लेकिन कुछ हो ना हो, मेरे पेड़ जो है काफ़ी अच्छे हो गए हैं, हरे हरे लग रहे हैं, कलर काफ़ी अच्छा इनका हो गया है बारिश की वजह से।
और आप खुद देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, ग्रीन ग्रीन। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे वीडियो डेली मिलते रहेंगे आपको देखने के लिए। नीचे से, हाँ नीचे से पता नहीं क्यों आवाजें आ रही है, चल के देखते हैं क्या हुआ है। अभी ऊपर आए थे और फिर से नीचे। फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग एंड ही करने जा रही थी, तब तक आने लगी नीचे से आवाज, तो वहां जाके देखा इनका कोरियर पार्सल आया हुआ था सूस का, जो क्या आए थे, तो वो आपको भी दिखाए। और अब करती हूँ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड, और मिलूंगी आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।